पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद रेल मंडल के रुड़की देवबंद खंड में विकास कार्य होने हैं, इसके चलते वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 22 ट्रेनें रद्द रहेंगी। ये ट्रेन 27 जून यानी आज से 3 जुलाई तक रद्द रहेंगी, जबकि 18 ट्रेनों को रूट बदल कर चलाया जाएगा। रेलवे 16 ट्रेनों को देरी से चलाएगा, जबकि 8 ट्रेन बीच से ही वापस हो जाएंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि मुरादाबाद रेल मंडल के रुड़की देवबंद खंड में 27 जून से 3 जुलाई तक विकास कार्य के लिए ब्लॉक रहेगा, जिस कारण कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। कई के रूट बदले गए हैं, वंदे भारत ट्रेन भी रद्द रहेगी। रेल मंडल के रुड़की रेलवे स्टेशन के पास में कुछ कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट और कैंसिल हो गई बारिश के कारण। क्या है पूरा? जो रुड़की स्टेशन है वो मुरादाबाद से सहारनपुर का जो रेलखंड है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, तो उसमें यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यार्ड रिमॉडलिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। ये 7 दिन की पूरी ड्यूरेशन है, जिसमें नॉन इंटरलॉकिंग के ब्लॉक्स 4 से 6 घंटे अलग अलग दिन के हिसाब से लिए जाएंगे। इसमें ओवरऑल यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए फोकस रहते हुए ये काम किया जा रहा है। अभी वहाँ पे 3 यात्री प्लेटफॉर्म हैं फुल लेंथ के, तो उनको हाई लेवल के 4 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। जो वहाँ पे लाइनें हैं उनमें अभी वो एक ही दिशा से जा सकती हैं, उनको अब दोनों दिशा के लिए ट्रैफिक को खोलने के लिए पूरी तरह से बनाया जा रहा है। तो यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये काम हो रहा है। इस काम को करने के लिए जो हमारी नॉर्मल ट्रेन सर्विस हैं उन पर अभी ये 7 दिन की ड्यूरेशन के लिए प्रभाव है जो उन पर पड़ रहा है। इसमें टोटल 22 गाड़ियां हैं जिनको कैंसिल किया गया है। 4 जोड़ी गाड़ियां ऐसी हैं जिनको हम लोग वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उसको पहले ही सहारनपुर तक शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट कर रहे हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं, तकरीबन 12 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको रीशेड्यूल किया गया है, वो अपने ओरिजिन पॉइंट से ही देरी से चालू होंगी, और कुछ गाड़ियों को ब्लॉक के ध्यान में रखते हुए अपनी जर्नी में ही रेगुलेट किया जाएगा 45 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट के हिसाब से। ये प्रॉपर एक नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड से निकला हुआ है, और जो हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं उनमें ट्विटर के माध्यम से और न्यूज़पेपर में पूरी तरह से, और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी सबको ये जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सर, वंदे भारत सहित करीब कितनी ट्रेन रद्द होंगी? टोटल इसमें 22 ट्रेनें रद्द करी गई हैं, उसमें वंदे भारत भी शामिल है। टोटल इसके अलावा 4 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको रीशेड्यूल किया गया है, मतलब वो अपने तय समय से ही देरी से चलेंगी। कुछ उसमें 120 मिनट के रेगुलेशन है, कुछ गाड़ियों का 45 मिनट का रेगुलेशन है। 4 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको अपने गंतव्य से पहले ही शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है, वहीं से उनको ओरिजिनेट किया जाएगा। उसके अलावा रेगुलेशन और डाइवर्जन के भी प्लान्स हैं। रेगुलेशन का मतलब ये है 12 गाड़ियां तकरीबन ऐसी हैं जो अपनी जर्नी के दौरान पे उनको इंपॉर्टेंट और बड़े स्टेशनों पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा, ताकि वो ब्लॉक पूर्ण होने के बाद उस रुड़की स्टेशन और रुड़की जो यार्ड है उसे पार कर जाएं। और 18 गाड़ियां ऐसी हैं जिनका डाइवर्जन किया गया है, वो उस रूट से होकर ही नहीं जाएंगी। इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। सर, जो ट्रेनें कैंसिल हुई हैं उसके यात्रियों के लिए क्या सुविधा है? नहीं, उसमें अभी तो जो ट्रेनें कैंसिल हुई हैं तो उसमें जो यात्रियों के जो टिकट हैं वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। वो तो एक यात्री असुविधा है जो इन 7 दिनों के लिए होगी। तो जो बाकी जो ऑल्टरनेट सर्विसेज हैं उनमें यात्री अपना टिकट बुक करा सकते हैं। हम लोग की ये भी कोशिश है कि जो ऑल्टरनेट सर्विसेज उन रूट पे चल रही हैं वो सारी की सारी पूरे फुल लोड पे चलें। फुल लोड पे चलें मतलब उन गाड़ियों को चला पाने की जितनी भी कोचों की जो संख्या है हम लोग उस पे चला रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को उसमें हम लोग ले जा सकें। सर, बारिश शुरू हो चुकी है, क्या बारिश का प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, बारिश का प्रभाव जो ऐसा है कि नॉर्मल ट्रेन संचालक प्रभावित नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कोई तकनीकी समस्या, तकनीकी खराबी आती है, चाहे वो कोई इंजन में खराबी आने की वजह से हो या जो OHE के जो तार होते हैं, जो इलेक्ट्रिफाइड लाइंस होती हैं, उनमें अगर कहीं कुछ डिसप्शन आता है तो वो माइनर डिसप्शंस होते हैं, तो उनको मौके पे तुरंत सारी टीमों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। कोई भी जानकारी किसी भी तरह की फेलियर की तुरंत कंट्रोल के माध्यम से 2400 घंटा सर्कुलेट कर दी जाती है, तो हम लोग इस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं कि किसी भी तरह का फेलियर अगर बारिश के चलते होता है तो उसको एकदम तीव्र गति से उसका समाधान किया जाए। सर, ये जो अभी आपने ब्लॉक की हम बात कर रहे थे अभी, ये ब्लॉक क्या 24 घंटे काम करेगा या सिर्फ दिन में ही काम होगा? नहीं, सिर्फ उसकी तय लिमिट है, वो किसी दिन 4 घंटे के, और डाउन लाइन के और अप लाइन के अलग अलग ड्यूरेशन है। कुछ दिन 4 घंटे के ब्लॉक हैं, कुछ दिन 6 घंटे के ब्लॉक हैं, 6 घंटे से ब्लॉक से ज़्यादा के ब्लॉक नहीं है।
तो 24 घंटे यातायात प्रभावित नहीं रहेगा। उस ब्लॉक की ड्यूरेशन के दौरान ही जो प्रभाव रहेगा उस दौरान गाड़ियों को नियंत्रित किया गया है अलग अलग माध्यम। कितने दिनों का ब्लॉक है सर? ये टोटल 7 दिन का ब्लॉक है। ये सारी जो ब्लॉक के कार्य हैं वो 3 जुलाई को कम्प्लीट हो जाएंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।